आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रविवार को पार्टी के विधायकों और प्रत्याशियों से मुखातिब होंगे। यह संवाद वर्चुअल होगा। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब लालू अपने नेताओं संग बातचीत करेंगे। यह बैठक दोपहर 2 बजे से रखी गई है। इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों को सुविधा मुहैया कराने पर भी बात हो सकती है। डबल इंजन की सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरा फीडबैक लेने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने माननीय विधायकों के साथ, पूर्व प्रत्याशी जो हराए गए हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। अपने नेताओं को निर्देशित करेंगे किस तरह से अभी जनता की सेवा की जाए, लोगों को मदद पहुंचाई जाए। तो झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद और दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज वर्चुअल बैठक करेंगे। राजनीति में फिर से एक बार सक्रिय होने जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे से लालू प्रसाद यादव वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं और दिल्ली में यह बैठक करेंगे वो अपनी बेटी मीसा भारती के आवास से। और इस बैठक में तेजस्वी यादव भी इसमें जुड़े रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ चुके हैं। निर्भय, बड़े वक्त बाद अब लालू यादव एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और ये वर्चुअल मीटिंग क्या कुछ सामने निकल कर आने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से स्थितियों को लेकर देखा जाए तो ऋषिक आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव काफी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई है। और कई बड़े नेताओं का ये दावा है, जो राजद के जो नेता है उनका ये दावा है कि उनके जो उनके संपर्क में कई जो कि सहयोग सरकार में जो पार्टी है यानी कि बीजेपी और बीजेपी के कई नेता जो है उनके संपर्क में है। तो कोशिश ये होगी कि इस बार जो लालू प्रसाद यादव और उनके जो पार्टी है उनके पार्टी के जो भी नेता हारे हैं उस कारणों पर भी समीक्षा होगी और साथ साथ पार्टी में क्या कुछ स्थितियां हैं लालू प्रसाद यादव उसको पूरे तरीके से आज जानने की कोशिश करेंगे और पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने की स्थिति में बातचीत होगी। और लालू प्रसाद यादव एक सवाल आपसे, लगातार विपक्ष जो है बिहार में कोरोना की स्थिति पर सरकार को कोस भी रहा है और आज की वर्चुअल बैठक में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इस वर्चुअल बैठक में बिहार में जो कोरोना संक्रमित है उनके लिए कोई सहयोग की जो बात है वो भी करेंगे, इस पर कहां तक मुहर लग रही है? बिल्कुल, देखिए ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, जब बैठक हो जाती है उस बैठक के बाद क्या कुछ बातें उभर करके सामने आती है। लालू प्रसाद अपने जब जितने भी नेता हैं उनके, चाहे वो विधायक हैं, एमएलसी हैं, इसके साथ साथ जो उनके कई वरीय नेता हैं वो लोग से बातें करेंगे। बात आज 2 बजे होने वाली है और इसको लेकर के कई राजद के जो कई बड़े नेता हैं वो दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। तो आज के बैठक के बाद ये पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और खुल करके आएगी कि आखिर में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इस बैठक में और राजनीति किस तरीके से करवट लेती है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से आपने सहयोग को लेकर के कहा, तो फिलहाल जितनी भी राजद जो है वो लगातार सहयोग की भूमिका में दिख रही है। उनके कई बड़े विधायक हैं जो अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्र में सहयोग करते हुए दिखे हैं, जिसमें शक्ति सिंह यादव ने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने भी एम्बुलेंस और कई सारे सेवाएं दी। इसके अलावा कई और विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में सेवा करते हुए दिखे हैं और इसको लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने भी जानकारियों को साझा किया है। राजद के जितने भी विधायक है उन्होंने अपने वेतन को देने का जो वादा किया था, तो ये सारे तरीके से अलग आते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव आते हैं और उसके बाद आखिर में पार्टी क्या कुछ कोरोना संक्रमण के दौरान निर्णय लेती है। लेकिन इन सबके बीच ये तो तय है कि लालू प्रसाद यादव अगर दिल से बाहर आ गए हैं और उसके बाद अब वो राजनीति में सक्रिय हो गए हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि पार्टी जो है विपक्ष में मजबूत स्थिति में है और लालू यादव की शक्ति उन्हें और मजबूत करेगी। जी निर्भय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि पार्टी के नेताओं के साथ आज वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास से बिहार में आरजेडी के तमाम नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे आज लालू यादव। और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज से बिहार में 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। यह तस्वीर राजधानी पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की है जहां 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है।
बता दें कि बिहार को 3.5 लाख डोज मिलने के बाद सरकार ने 9 मई यानी कि आज से 18 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंचने की वजह से युवाओं के बीच वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो सका था। और आज राजधानी पटना में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आज बिहार में 3.5 लाख डोज मिलने के बाद बिहार में 18 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजधानी का गर्दनीबाग अस्पताल है जहां पर 18 से 44 के बीच के लोगों को वैक्सीन यानी कोरोना का टीका दिया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये राजधानी पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की तस्वीर है जहां पर 18 साल से अधिक के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को ही 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में वैक्सीन नहीं उपलब्ध था, इस वजह से वैक्सीनेशन में देरी हुई। लेकिन आज यानी कि 9 मई से बिहार सरकार को 3.5 लाख डोज मिले हैं वैक्सीनेशन के, जिसके बाद से अब बिहार में आज से यानी कि 9 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हैं हमारे साथ। उत्कर्ष, बिहार में बड़ी देरी से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ आलम है? जी हाँ ऋतिक, ये जो वैक्सीनेशन था वो करीब अभी से 8-9 दिन पहले से ही देना था, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार तो पहले इसे राज्य सरकार पर छोड़ी थी कि कुछ पैसे लेने होंगे, लेकिन बिहार में भी इसे फ्री कर दिया गया था, जिसके बाद आज पहला दिन ऐसा है जहाँ जब से ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है लोगों को। फिलहाल अभी 2-3 जगहों पर राजधानी में दी जा रही है, जो गार्डनर रोड है या गर्दनीबाग अस्पताल जो है वहीं पर सिर्फ अभी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो कोविड पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए हैं, और जो वैक्सीनेशन है उन देने के बाद कोविड शील्ड वैक्सीनेशन है, और करीब इसका 40 दिन बाद इसका दूसरा जो डोज होता है वो लेना पड़ता है। और ये डोजेज जो है वो करीब 3.5 लाख डोज आए हैं राजधानी पटना में और पूरे बिहार में। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं, आपने वहां पर मुआयना भी किया है, युवाओं में कैसा उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि लगातार युवाओं के लिए भी सरकार ने कहा था कि बिहार में युवाएं जो है वो ज्यादा है, जो 45 से ऊपर के लोग उनके क्रम में युवा जो है वो ज्यादा है, इसलिए वैक्सीनेशन में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आज से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है तो सेंटर पे क्या कुछ आलम है, वहां पर क्या युवा पहुंचकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा की तादाद में? जी जी बिल्कुल ऋतिक, जो युवा है वो सही बात है कि बिहार में ज्यादा है, लेकिन इस बार जो वैक्सीनेशन है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो 18 वर्ष से 25 वर्ष के लोग हैं वो ज्यादा मात्रा में ज्यादा लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीनेशन ले रहे हैं, और वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो दूसरा स्ट्रेन है अगर इससे लोग नहीं बच पाएंगे तो कहीं ना कहीं तीसरा स्ट्रेन भारत में जरूर आ जाएगा जिससे लोग काफी ज्यादा इफेक्ट कर जाएंगे। ऋतिक जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्कर्ष, तो बिहार में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, बिहार सरकार को 3.5 लाख डोज मिले हैं, जिसके बाद से आज से यानी कि 9 मई से वैक्सीनेशन शुरुआत हो चुकी है। और देश में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं और नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मिले 4,03,738 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, वहीं 4,092 मरीजों की भी जान जा चुकी है, और देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,00,000 के पार हो चुकी है, जबकि देश में एक्टिव केस अभी करीब 3,73,06,648 है, और इसी दौरान 3,18,609 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना के संक्रमण दर में कमी आई है, जबकि रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है, अब कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 79.97% हो गया है।
पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 12,948 मामले उभर कर सामने आए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 112,976 हो गई है, जबकि रिकॉर्ड 14,962 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पटना सहित 5 जिलों में 500 से अधिक नए पॉजिटिव पाए गए। पटना में सर्वाधिक 2,498, जबकि नालंदा में 740, बेगूसराय में 586, पश्चिम चंपारण में 578 और समस्तीपुर में 560 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा वैशाली में 481, मुजफ्फरपुर में 480, कटिहार में 458, गया में 419, मधुबनी में 402, औरंगाबाद में 380, सारण में 364, सहरसा में 361, पूर्वी चंपारण में 343, भागलपुर में 316, पूर्णिया में 312, सुपौल में 309, मुंगेर में 242, शेखपुरा में 238, खगड़िया में 227, जमुई में 205, सिवान में 218 और रोहतास में 207 कोरोना मामले पाए गए हैं। एक तरफ बिहार में कोरोना महामारी अपना कहर बरपा रही है तो दूसरी ओर सूबे में लगातार दवाओं की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। ऐसे में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार प्रतिबंधित दवाओं की कालाबाजारी करने वाले दवा माफियाओं पर नकेल कसने का काम कर रही है और इसी कड़ी में ईओयू की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा। मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां छापेमारी के दौरान 3 लोगों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की छापेमारी अब भी जारी है। हम लोगों ने एक ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम तीन लोग गिरफ्तारी की गई है और अभी पूछताछ चल रही है, इसमें आगे कुछ और। कोरोना काल में जहां सरकार हर सुविधा देने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय में एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के बाद मरीज उनके परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर कर दिया है। वह चिकित्सक ने बताया कि संसाधन के साथ साथ चिकित्सक का अभाव है, जिसके कारण मरीज को रेफर करना पड़ रहा है। खराब हुई थी तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पीएससी प्रभारी को फोन लगाया, उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्ड बताया, तो फिर मैंने एसडीएम साहिबा प्रशिक्षु पदाधिकारी शाहिला हीर मैम को फोन लगाया तो उन्होंने मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर दिया। मैंने कंट्रोल रूम में बात किया तो उन लोगों का जवाब जो था बहुत सही तरीके से नहीं था, वो बोल रहे थे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ स्टेज पेशेंट की क्रिटिकल और आप लोग 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आनन फानन में हम लोगों ने ठेला पे लेके आना मुनासिब समझा, जान है तो जहान है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं, यानी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे, उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजन को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ईएसआई बेटा कोविड अस्पताल सेना के हवाले कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए 80 सदस्यीय चिकित्सा कर्मियों का दल पटना पहुंचा है, जिसमें 25 विशेषज्ञ डॉक्टर, अन्य पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिसर में पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क फेंके हुए हैं। ऐसे में तस्वीर सरकार की विफलता को साफ दर्शाती है। भागलपुर में लगातार कई दवा दुकानों व निजी क्लिनिक से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन व ड्रग विभाग लगातार कालाबाजारी करने वालों पर, ज्यादा मूल्यों में दवाइयां बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में ड्रग विभाग के एडीसी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भीकनपुर गुमटी नंबर 2 के स्थित कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। घंटों चली इस छापेमारी में ड्रग्स विभाग ने कई अनियमितताएं पाई हैं। ड्रग विभाग के एडीसी ने कहा कि दवा को ज्यादा कीमतों पर बेचने की सूचना मिली, इसको लेकर यहां छापेमारी की गई। आपको बता दें कि संयुक्त निरीक्षक के द्वारा 0 माइल स्थित हनुमान मेडिकल हॉल में पूर्व में छापेमारी की गई थी। आए दिन कालाबाजारी को लेकर ड्रग विभाग और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। करके बनाया जा रहा है, पेशेंट को फिर अलग किया जाता है और जो पेशेंट जो संधारित किया जाता है अलग किया जाता है।
मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना की जंग में आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी देनी शुरू कर दी है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही युवाओं ने भी अपने अपने इलाकों को गंभीरता से सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। ऐसा नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 5 है। युवाओं के द्वारा हर घर हर गली सैनिटाइज की जा रही है और वहीं युवाओं के इस पहल के काफी सराहना भी की जा रही है। कार्यक्रम यही है कि सैनिटाइज हम लोग अपने यूथ सब मिलकर पूरे वार्ड में कर रहे हैं। नगर परिषद मोकामा के वार्ड नंबर 5 में भी फिलहाल हम लोग शुरू किए हैं। दो चार बार इधर उधर से भी लड़का आया हुआ है। इच्छा देखे वो 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, ऐसे करके लड़का हम लोग आया हुआ है और टोटल गाँव में कर। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गया नगर निगम ने 2 पालियों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने खुद ही सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम किया है। हम लोगों ने कल डिसीजन लिया था, वो सैनिटाइजिंग फॉगिंग इत्यादि चल रहा है और सेकेंड पाली में शाम में हम लोग 4 बजे उससे प्रत्येक दिन की भांति आज 16वां 17वां दिन कंटिन्यू हम लोग अभी डेल्हा का ये वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 27 में आए हैं और यहाँ पर हम लोग सैनिटाइजिंग फॉगिंग ब्लीचिंग करवा रहे हैं। शाम में फॉगिंग और ज़्यादा इफेक्टिव। मुजफ्फरपुर में अस्पतालों में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ डीएम के निर्देश पर पुलिस जांच अभियान चला रही है, जो शहर के विभिन्न अस्पतालों में जाकर स्थिति का जायजा ले रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां अस्पतालों में मरीजों से अवैध वसूली भी की जा रही है और इसी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सख्ती से विशेष जांच अभियान चला रही है। आदेश के आलोक में हम लोग एक टीम बनाई गई है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोविड सेंटर चल रहे हैं उन जगहों पर जाकर करके देखना है कि सही इलाज चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका क्या रेट लिया जा रहा है या ऑक्सीजन का क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, इन सभी चीज़ों की जांच हम लोग। गया शहर के खुरखुरा रेलवे लाइन के नजदीक जमीन कारोबारियों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान फायरिंग में जमीन कारोबारी के साथी को गोली लग गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इनसे बहुत लोग सो रहा था, उसी में लोग कुछ लोग पीले था, संतोष सिपाही मल्लू हरिनाथ हाँ और मनोहर फिर लोग थे, बंदूक निकाले गोली चलाने लगे। कारण कुछ भी नहीं था, हम लोग गुजर रहे थे, सबके जमीन देते हो, प्लॉटिंग करते हो, तुम लोग जमींदार हो गए हो, क्या हो, मैं वहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ तो सबके लिखते हो तो हमको भी लिखो। गोली मेरे पर चल रहा था लेकिन हमारे मित्र को हम नहीं जानते थे कि लग गया। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, चोरी भी और सीना चोरी भी। इस कहावत को चरितार्थ किया है समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौत पंचायत के मुखिया जगन्नाथ साह ने। यहां मुखिया जी से जब लोगों ने विकास कार्यों के बारे में पूछा तो मुखिया जी तिलमिला गए। फिर क्या हुआ ये रिपोर्ट देखिए। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, चोरी भी और सीना चोरी भी। इस कहावत को चरितार्थ किया है समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना इलाके के हरपुर एलौत पंचायत के मुखिया जगन्नाथ साहनी। दरअसल हरपुर जिले के एलौत पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मिशन नल जल योजना की कुछ समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मुखिया जगन्नाथ साह को बुलाया और समस्या के निदान के लिए बात की। तब एक युवक ने मुखिया जी से कई सारे सवाल एक साथ दाग दिए तो मुखिया जी तिलमिला गए और अपना आपा खोते हुए युवक पर कुदाल लेकर दौड़ पड़े और
काट देने की बात करते हुए सरकारी योजना को ही युवक का बपौती बता दिया। वही मुखिया जी के आपा खोते ही लोगों ने बीच बचाव शुरू किया और मुखिया जी को समझाने में जुट गए। वही इस पूरे वारदात को किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस मुखिया के ऊपर अपने पंचायत के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और सुविधाओं का ख्याल रखने का अधिकार है, भला वह इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि अपना महत्वपूर्ण एक एक वोट देकर इन पर भरोसा करेंगे। हालांकि जो भी हो, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुखिया जी पर कार्रवाई होती है या इस घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। डीटीवी भारत के लिए समस्तीपुर से। झारखंड के गुमला में रहस्यमय तरीके से साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत के बाद अब महिला मोर्चा ने भी न्याय दिलाने को लेकर हाथ बढ़ा दिया है, जिसको लेकर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष किरण माला ने बताया कि मामले में सरकार आनाकानी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि चार दिन पहले साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की अपने क्वार्टर पे पंखे से लटकी हुई पाई गई थी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर रांची की बेटी और साहेबगंज थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की का जो हत्या हुआ है, उसके विरोध में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में अगुवाई में इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि साहेबगंज जिला में एक महिला थाना प्रभारी, या कहें उसको आत्महत्या या मर्डर के लिए उकसाना या आत्महत्या के लिए उकसाना, ये एक संदेहास्पद स्थिति में उनकी जिस प्रकार से मौत पाई गई, पंखा में झूलते हुए उनकी लाश पाई गई, यह एक प्रश्नचिन्ह बनता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो सहयोगी है पंकज मिश्रा, वह उनको बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक किस मामले का छानबीन हो जाना चाहिए था, इस मामले को स्पष्ट हो जाना चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। झारखंड के देवघर जिले में शिवराम झा चौक के पास अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि लूट के प्रयास में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 3 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो पूरा मामला देवघर जिले का है, जहां शिवराम चौक के पास गोली लगने से संचालक जख्मी हो गए हैं। सीएसपी संचालक को लूट के आरोपियों ने गोली मारी है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से कई हथियार बरामद किए गए, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की है, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन सबके पास 4 जिंदा कारतूस, 5 मोटरसाइकिल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। देवघर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी खिजूरिया के पास अवैध अग्निशमन लेकर के डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना के तहत डीवाईएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक छापामारी दल उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया। वहां पर कुल 6 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 3 कंट्रीमेड पिस्टल, 4 कारतूस, 11 मोबाइल, लोहे का एक पंच और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवघर से संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पीएचसी को गोली मारी गई है वहां पर, और कर्मी को जो गोली मारी गई है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, अन्य क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है शैलेंद्र? हाँ ऋतिक, मैं बता दूं ये कि ये आज से 15 दिन पहले की ये घटना घटी थी कि सीएसपी संचालक
को गोली मारी गई थी और लूट हुआ था, और वो मामला जो है वो पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, और सीसीटीवी कैमरे के आधार पे वो ट्रेस किया गया, और कल जो है वो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, और गिरफ्तार करके और उन लोगों के पास से कुछ पिस्टल वगैरह ये सब भी बरामद किया गया है और उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। एक सवाल आपसे शैलेंद्र, जो सीएससी जो संचालक है उनको जो गोली मारी गई है, क्या उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है, जो सीएसपी के संचालक है? सीएसपी संचालक अभी सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। तो बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लूट के प्रयास में सीएसपी संचालक को इन 6 लोगों ने गोली मारी थी, और फिलहाल सीएसपी संचालक की भी जान खतरे से बाहर है। झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र के खोरा के नजदीक 2 मोटरसाइकिल और 1 कार के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से भी जख्मी हैं। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बंधन उराव के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल और कार को जब्त किया है। झारखंड के देवघर जिले के सारठ थाना के पास अपराधियों ने पिस्तौल के दम पर कपड़ा दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर कैश काउंटर से कैश लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले जैसा कि हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहा है, और अनावश्यक तरीके से घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपकी जान आप ही के हाथ में है, उसको आप ही को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी हम सब, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।